और वहीं सोनीपत में हुए बदमाशों के एनकाउंटर पर राज्य मंत्री सुभाष सुधा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने बदमाशों को अल्टीमेटम देते हुए कहा, जो भी कानून व्यवस्था को खराब करने का काम करेगा उसे पुलिस की सख्त कार्रवाई का सामना करना होगा। हमारी सरकार ने किस प्रकार से, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बात कही थी कि मैं किसी प्रकार का जो अपराधी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, और आपके समक्ष देखिए किस प्रकार से अभी कानून व्यवस्था को लेकर तीन अपराधियों किस प्रकार एनकाउंटर हुआ। तो मैं ये कहूंगा इसी प्रकार की व्यवस्था, अगर ऐसी व्यवस्था अपराधी करेंगे तो उनको यही होगा, उनको फोन से लेकर उनको पासपोर्ट कैंसिल करा के लाइए। बहुत बड़ी अपराधी है ये, मैं सलूट करता हूँ ऐसे अधिकारियों को जिन्होंने इतना बढ़िया अच्छा कार्य किया। हम हरियाणा प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बढ़ाना चाहते हैं। जो यहाँ पर किसी प्रकार की ये गुंडागर्दी वाले लोग आए हुए हैं, जो यहाँ पर वो मांगते हैं नमके अपना पैटिंग करते हैं, धमकी देते हैं, किसी प्रकार का वसूली करते हैं, उन सबको हरियाणा प्रदेश से चला जाना चाहिए। उनका भी हालात वही होंगे जो अभी आपने देखा, जिस प्रकार से हालात